गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इस साल के अनाउंस हो चुके हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो नोबेल पीस प्राइज 2023 जो है उसके बारे में जो है वो रहने वाली है। तो अब देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली ईरानियन एक्टिविस्ट जो हैं, जिनका नाम है नरगिज मोहम्मदी, जो कि एक लेडी हैं, उनको जो है इस साल जो है वो चूज़ किया गया है रॉयल स्वेडिश अकेडमी के द्वारा, और उनको जो है नोबेल पीस प्राइज जो है 2023 का जो है वो दिया जाएगा फॉर हर फाइट अगेंस्ट द अप्रेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो ये जो है, ये आप फोटोग्राफ जो है वो आप जो देख रहे हो, ये नरगिस मोहम्मदी जो है उनकी है, जिनको इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाएगा। अब कौन है ये नरगिस मोहम्मदी, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 2023 नोबेल पीस लॉरिएट जो है नरगिस मोहम्मदी, ये ह्यूमन राइट एडवोकेट है और एक फ्रीडम फाइटर भी है। एज पर द एकेडमी, द ईयर्स नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो रिकॉग्नाइज द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द थियोक्रेटिक रेजीम ऑफ पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन टारगेटिंग वुमेन्स। तो जितने भी लोगों ने अभी तक जो है जो काम किया है या डेमोन्स्ट्रेट किया है अगेंस्ट द ऑपरेशंस स्पेशली टारगेटिंग टू वुमेन, उन सबको जो है ये अवार्ड जो है इस साल का वो डेडिकेटेड होगा। द मोटो अडॉप्टेड बाय द ईरानियन डेमोन्स्ट्रेटर्स, कौन कौन क्या था वो मोटो, वुमेन लाइफ और फ्रीडम सूटेबली एक्सप्रेस द डेडिकेशन एंड वर्क्स ऑफ नरगिस मोहम्मदी। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो देख लेते हैं नरगिस मोहम्मदी के। मिस मोहम्मदी एडवोकेट्स अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इन द कंट्री डेट रिपोर्ट्स मोस्ट स्टेट एग्जीक्यूशंस। तो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशंस जो हैं वो ईरान में जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो है मिस मोहम्मदी जो है ये एडवोकेट करती है अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, ये चाहती है कि डेथ पेनल्टी जो है वो खत्म होनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ वुमेन्स राइट सिंस हर डेज एज अ कॉलेज स्टूडेंट, शी वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2011, 2011 में इनको जो है वो अरेस्ट किया गया था फॉर हर एफर्ट्स टू असिस्ट एक्टिविस्ट एंड देयर फैमिलीज। तो जो एक्टिविस्ट जो है वो जो है उनको असिस्ट कर रही थी और साथ ही साथ उनकी फैमिलीज जो है उनको असिस्ट कर रही थी। उसके अलावा इन्होंने फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो जो है उसमें ये काफी ज्यादा आगे हैं। जब ये प्रिजन में थी तो उस टाइम पे इन्होंने जो है काफी ज्यादा अपोज किया था रिजीम का जो सिस्टमेटिक यूज जो है यूज ऑफ टॉर्चर एंड सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स स्पेशली वुमेन्स। तो वहां पे जो है इन्होंने बोला कि जो विमेन्स जो है या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस जो है वो किया जाता है ईरानियन प्रिजन्स के अंदर। उसके अलावा जब ये जो ईरानियन हिजाब मूवमेंट जो थी जिसको महसा अमनी प्रोटेस्ट जो है वो कहा जाता है, तो उस दौरान भी उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्रिजन के अंदर से ही जो है वो दिखाया फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड सॉलिडेरिटी एक्शन अमंग हर फेलो इनमेट्स। उसके अलावा उनको बहुत से अवार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल एलेक्जेंडर लैंगर अवार्ड जो है ये इनको 2009 में मिला था। उसके अलावा यूनेस्को के द्वारा एक अवार्ड जो है वो दिया जाता है गुलेरमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, और ओलाफ पाल्मे प्राइज जो है वो इनको 2023 में जो है वो रिसेंटली मिला है। उसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाइट टॉर्चर इंटरव्यू विद ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स, जिसके लिए उन्हें जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ह्यूमन राइट्स फोरम में जो है उनको अवार्ड जो है वो मिल चुका है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो नोबेल पीस प्राइज के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।